भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। प्रेस वार्ता के दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। यहां से राजधानी का ठहराव शुरू होने वाला है और कई अच्छी ट्रेन यहां से शुरू हो रही है, जिसकी टिकट बुकिंग भी आज से शुरू हो गई। वहीं भागलपुर की सांसद अजय मंडल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह स्वागत भागलपुर शहरवासियों को नरेंद्र मोदी ने दिया है, न कि सांसद अजय मंडल ने। वहीं रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री को ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए, यह कहीं से सही नहीं है। साथ ही बिहार के झंझारपुर में अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सॉफ्ट दिखे, उन्होंने हर रैली की तरह नीतीश कुमार पर कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, जिस पर बिहार का सियासी पारा हाई है। यह अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होंगे। इस पर शाहनवाज हुसैन ने कहा कि महागठबंधन में महाफूट है, जदयू और राजद की जोड़ी बेमेल है, जदयू और भाजपा का फिर से कोई जुड़ाव नहीं होने वाला है। आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर भागलपुर में विशेष कार्यक्रम है। मिथिलेश तिवारी जी को भी आना था, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे। कल ही उन्होंने मुझे बता दिया था, कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर दो भागलपुर के लिए बड़ी सौगात अमित शाह जी ने कल उसका ऐलान किया। अब इस पर अमित शाह जी का ऐलान है और ऐसी ट्रेनों की मांग की जिसकी किसी ने चिट्ठी भी नहीं लिखी है, वो है तीन वंदे भारत इंटरसिटी एक्सप्रेस, एक जमालपुर से हावड़ा, एक भागलपुर से देवघर और जमालपुर से मालदा। ये तीन ट्रेन प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर भागलपुर को मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जो मैंने आपको प्रेस में संबोधित किया था, तो मैंने कहा था कि राजधानी को लेकर खुशखबरी मिलने वाली है। मैंने पहले कहा था, आप इसके गवाह भी हैं। और वो ट्रेन मिली, अगरतला तेजस राजधानी एक्सप्रेस अब भागलपुर होकर जाएगी, और उसका भी हम लोगों ने योजना बनाई कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ही टिकट कटना शुरू हो। तो ये पहला टिकट प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मैंने खरीदा, कैश खरीदा। यानी वो जो हमारा एक एमपी वाला आई कार्ड है उस पर नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तो ये हमने लिया, जिलाध्यक्ष संतोष शाह जी ने लिया, निरंजन शाह जी ने लिया, मोंटी जोशी जी ने लिया, और एसी फर्स्ट का टिकट फुल हो गया बहुत। तो ये 120 दिन का गैप देना होता है जब भी, क्योंकि टिकट 120 दिन पहले ले सकते हैं आप। तो पहला डेट जो हुआ वो 16 जनवरी हुआ है, तो अभी से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा और 16 तारीख से, जनवरी से वो यात्रा इधर से लुक कर पाएंगे। और मैंने भी टिकट ले लिया है, तो मैं भी बैठूंगा, कंफर्म टिकट। और इसमें मैं किसी को क्रेडिट लेने की होर बहुत लोगों में है, मैं कोई क्रेडिट खुद नहीं लेता, सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को देता हूँ। माल महाराज का मिर्ज़ा खेले होली, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं, जो लोग भी दावा कर रहे हैं उनको मोदी जी का फोटो गले में टांगना चाहिए तभी दावा करें, या मोदी जी को का नाम नहीं ले रहे, ट्रेन मोदी जी की और नाम दूसरे दल के लोग ले रहे हैं। जो मोदी जी को गाली दे रहे हैं
वो लोग मोदी जी के ट्रेन जन्मदिन पर क्रेडिट ले रहे हैं, इसमें मैं कोई क्रेडिट नहीं लेता। ये सब मैं प्रधानमंत्री जी को समर्पित करता हूँ, उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। देखिए, महागठबंधन में महाफूट है और महाफूट के वजह से चीज़ें साफ दिख रही हैं। महागठबंधन की सरकार का क्या भविष्य है ये महागठबंधन के लोग भी नहीं बता सकते। अमित शाह जी ने कहा बेमेल जोड़ी है, पानी और तेल की जोड़ी है जदयू और राजद की। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जोड़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं। सीएम नीतीश पर नरम दिखे ज़्यादा अमित शाह इस बार? नहीं, नीतीश कुमार जी और उनके सरकार के खिलाफ भी जो पक्ष है एम्स का और वो सब रखा, नरम गरम क्या होता, हम अपनी बात रखते। जदयू और बीजेपी का कोई फिर से जुड़ाव होने वाला नहीं। सबरंग भागलपुर, बिहार झारखंड का सबसे बड़ा कपड़ों का स्टोर, ग्रैंड ओपनिंग 25 सितंबर को। अब सह परिवार सादर आमंत्रित है, हर कपड़ा मार्केट से सस्ते दामों में। नियर होटल चिन्मय, कटहलबारी रोड, तिलका मांझी, भागलपुर। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बीजेपी एमएलसी सैयद शाहनवाज हुसैन के द्वारा नए संसद भवन का कांग्रेस पार्टी के विरोध करने को लेकर सवाल खड़े किए जाने के मामले पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कड़ी टिप्पणी दी है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के साथ साथ अब देश की संसद भवन के विरोध के साथ साथ देश के झंडे का भी विरोध कर रही है। इस मामले पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि सैयद शाहनवाज हुसैन उसी संसद भवन में सांसद बनकर गए थे और देश का जो विकास कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया है और जितनी भी फैक्ट्री बनाई गई उन सारे को बेचने का काम केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि युवकों को रोजगार और महंगाई के सवाल पर बीजेपी कुछ नहीं बोल रही, देश में लगातार महंगाई से आम जनता परेशान है और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। बड़ी शर्म की बात है उनकी बयान पे। वो सांसद रहे हैं उसी संसद भवन में, आपने संसद रहा है तो आप क्या बात कर रहे हैं कि विदेशियों ने बनाया? भारतवर्ष आजाद हुए कितने वर्ष हो गए उनको पता है कुछ? आप भी राजनीति में बहुत दिनों से हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? चूंकि आपके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संसद भवन अलग से बनाया इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। उस समय तो वही संसद भवन बहुत अच्छा था, पूरे देश को विकास में आगे बढ़ाया। जिस समय भारतवर्ष आजाद हुआ उसमें एक पिन बनाने की फैक्ट्री पूरे देश में नहीं थी और देश को कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक क्या विकास किया उसको सब लोग जानता है। इस तरह की बात करना कि फलना ने बनाया तो इसका विरोध कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, और आज ये नरेंद्र मोदी जी बनाए, इस पैसे को जो संसद भवन इतना अच्छा था क्या बनाने की जरूरत थी? उसी पैसे को अगर आप जनता की शिक्षा में लगा देते, बिना शिक्षा का देश विकास नहीं हो सकता। आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, क्या मतलब है इसका? आज तक तो जब जब जिस राज्यों में चुनाव हो रहा है 5 साल पूरे होंगे वहां फिर से चुनाव होगा, आप एक साथ कराने की बात कर रहे हैं, पैसे कहां से आएंगे? इसका मतलब आप उद्योगपतियों के हाथ फिर कुछ बेचने जाइएगा? आप युवकों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, महंगाई नहीं रोक रहे हैं,
आप हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें, देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को माफ नहीं करेगी और 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर शहर के मोदी नगर दुर्गा स्थान से भाजपा के जिला अध्यक्ष और पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के अवसर पर विशाल झांकी निकाली गई। इसमें भगवान विश्वकर्मा के साथ साथ विभिन्न कामगारों की तस्वीर निकालकर विशाल झांकी का आयोजन किया गया। भाजपा के MLC सैयद शहनवाज हुसैन और स्थानीय नेताओं के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की आरती की गई। वहीं महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा PM की तस्वीर पर तिलक लगाते हुए PM की लंबी उम्र की कामना की गई। वहीं इस अवसर पर सैयद शहनवाज हुसैन ने बताया कि प्रधानमंत्री ने शहरवासियों को जन्मदिन के पहले ही 4 इंटरसिटी वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। इसमें भागलपुर से देवघर, भागलपुर मालदा सहित जमालपुर हावड़ा वंदे भारत इंटरसिटी एक्सप्रेस देने का काम किया है और इसके साथ ही अगरतला राजधानी को भागलपुर की तरफ से चलने को लेकर आज से उसका पहला टिकट भी मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भागलपुर वासियों को जन्मदिन का उपहार पहले ही दे दिया है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बिहार में इस बार 40 की 40 सीट भाजपा जीतेगी। पूरे देश में 400 सीट जीतने का दावा शहनवाज हुसैन ने किया। मैं संतोष जी को बहुत बधाई देता हूँ कि आज इनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया कार्यक्रम यहाँ हुआ है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भागलपुर के लिए बहुत खास है। हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज ही के दिन तेजस राजधानी का पहला टिकट मोदी जी के जन्मदिन पर कटा, मैंने खरीदा। उसके बाद आज ही कल ही पूर्व संध्या पे अमित शाह जी ने घोषणा की, एक जो वंदे भारत जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है, एक भागलपुर से देवघर के लिए, एक भागलपुर से मालदा के लिए और जमालपुर से हावड़ा के लिए जो चेयर कार वाली टिकट होगी जिसमें सही समय पे लोग पहुंचेंगे। तो मोदी जी ने अपने जन्मदिन पे हम लोगों को 4 ट्रेन दिया है। ये पूरा क्रेडिट सिर्फ 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 नरेंद्र मोदी जी का है। मोदी जी जिंदाबाद। और हम लोगों जन्मदिन आज मना रहे हैं। मोदी जी ने रिटर्न गिफ्ट पहले हम लोगों को भागलपुर वाले को खास दिया और अमित शाह जी ने अनाउंस किया है कल झंझारपुर में, तो हम सब मोदी जी को लंबी उम्र की दुआ देते हैं। उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में 2024 में भी 400 लोकसभा सीट जीतेंगे और बिहार की 40 की 40 सीट जीतेंगे। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए इस सत्र में कई कवायद किए जाएंगे। इसके तहत शिक्षा विभाग के अधिकारी जिले के कमजोर स्कूलों को गोद लेंगे। DEO, BEO, BRC, BRP व अन्य विभागीय अधिकारी इन स्कूलों को गोद लेंगे। इसकी प्रक्रिया भी चल रही है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। प्रवेश उत्सव के दौरान ही सभी अधिकारी ऐसे स्कूलों को चिन्हांकित करेंगे। इसी के तहत भागलपुर जिले के स्कूल को भी अब शिक्षा विभाग गोद लेगा। इसको लेकर चिट्ठी जारी की गई है। शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के स्तर को सुधारने को लेकर यह तैयारी है। इस बार जिला शिक्षा पदाधिकारी को स्कूल को गोद लेने का फरमान जारी किया गया है। इसको लेकर DEO संजय कुमार ने बताया कि हम लोग इसको लेकर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 5 देरा क्षेत्र एवं ग्रामीण स्कूलों को गोद लिया जाएगा। भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि हम लोग गांव के ही स्कूलों को गोद लेंगे, खासकर वैसे स्कूल जिसमें बच्चों की उपस्थिति कम हो। वैसे स्कूलों में बच्चे की उपस्थिति को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बच्चों को अलग एक्टिविटी भी सिखाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों को जरूरत है खेल खेल में शिक्षा देने की। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर ध्यान देना है तो वह है कि शिक्षा बेहतर कैसे हो। साथ उन्होंने बताया कि हम लोगों की कोशिश है विद्यालयों में मैदान हो ताकि बच्चे खेल भी सीख सके। जिला शिक्षा अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस बार हम लोग खासकर देरा क्षेत्र के स्कूलों को गोद लेंगे ताकि वहां के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। सुदूर इलाके में बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, लेकिन इसकी स्थिति में सुधार लाया जाएगा। इसमें नौगछिया, पीरपैंती, कहलगांव जैसे देरा इलाके में पढ़ने वाले स्कूलों को गोद लेने पर विचार किया जा रहा है। हम लोग अभी विभागीय आदेश आया है कि 5-5 प्रत्येक पदाधिकारी 5-5 विद्यालयों को वो मतलब चिन्हित करके गोद ले। तो हम लोग अभी ऐसे ये एक दो दिनों में सारे अफसर से कि वो चिन्हित कर लेंगे विद्यालयों का, और वैसे विद्यालय को हम लोग चिन्हित करेंगे जहाँ पर ऐसे कि बच्चों की उपस्थिति कम है,
ताकि ये मतलब कि नजर आए कि हम लोगों ने ऐसे कभी कुछ प्रयास किया है, उन विद्यालयों में जो बेहतर हो सकेगा वो हम लोग ऐसे उपलब्ध कराएंगे। कई स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है, अगर उसको गोद लिया जाता है तो वहाँ सारे समुचित व्यवस्था की जाएंगी। देखिए प्लेग्राउंड के लिए है कि वो जमीन की आवश्यकता है, और आज आप लोग को मालूम होगा कि जमीन काफी महंगी हो गई है। पहले ऐसे कि विद्यालयों को दान दे दिया जाता था, आराम से ऐसे कि जमीन उपलब्ध हो जाती थी, बट आज के डेट में विद्यालयों को ऐसे कि जमीन दान नहीं मिल पा रही है, तो हम लोग को कोई प्लेग्राउंड ऐसे कि दान देगा ये बड़ा मुश्किल सा लगता है। सर, जो गोद लेने वाले स्कूल होंगे क्या इसमें जो ग्रामीण इलाके के स्कूल हैं? ग्रामीण स्कूलों को ही लेंगे, हम लोग शहरी को नहीं लेंगे बल्कि ग्रामीण को ही लेंगे। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने बांका पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार करने पहुंची बांका पुलिस ने उनको छत पर से ही नीचे फेंक दिया, जिसके बाद एक महिला बुरी तरह घायल है। दरअसल अफेयर का मामला था जिसको लेकर लड़की पक्ष की तरफ से थाने में तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने बिना गिरफ्तारी वारंट के अगले सुबह गिरफ्तार करने के लिए दूसरे पक्ष के घर पहुंच गई। घायल के परिजनों का आरोप है कि बिना गिरफ्तारी वारंट के गिरफ्तार करने पहुंची धरैया पुलिस ने परिजनों के साथ मारपीट की और छत पर से ही फेंक दिया, जिसमें एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसका इलाज भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। परिजनों की माने तो घायल को पहले स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। घायल के परिजनों ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष के लोगों से कुछ रुपये लेकर उनके ऊपर फर्जी मुकदमा कर उनको फंसाया जा रहा है, जिसमें एक तथाकथित पत्रकार का भी नाम सामने आ रहा है। दूसरे पक्ष की तरफ से थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके घर की एक लड़की का अश्लील फोटो वायरल किया गया है, जबकि लड़के के परिजनों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, हालांकि पूरा मामला जांच का विषय है। आज मेरा मामा का बेल था, ठीक है, इसीलिए मेरी मम्मी झारखंड से आई थी। झारखंड से जैसे आई, मोहम्मद शाहनवाज और हफीजुद्दीन और रुखसाना और रूही फातिमा और जुबेदा तीनों आकर मेरे घर पे आकर मारने लगी मेरी अम्मी को, और धमकी देने लगी कि हम पुलिस को बुलाएंगे। उसी मौके पे पुलिस भी आ गया। पुलिस आने के आयो संगीता कुमारी, जैसे आई मेरी अम्मी छत पे गई, संगीता कुमारी छत से धकेल दी मेरी अम्मी को, जैसे छत से धकेली उसके ऊपर एगो सिपाही ऊपर पे गिर गया, ठीक है, जैसे गिरी ईंटा भी मेरी अम्मी के ऊपर गिर गया था, जैसे सिपाही ऊपर उठाई मेरी अम्मी को, उठाने के बाद उसके ऊपर देखा बहुत घायल है, ठीक है, पुलिस सब छोड़कर मेरी अम्मी को भाग गई। किस मामले को लेकर अरेस्टिंग करने पहुंची पुलिस? पुलिस पहले का मामले था कि वह सब केस किया था, ठीक है, केस कुछ फालतू केस था, ठीक है, यही केस था। क्या उस केस में आपको फंसाया जा रहा? हाँ, फंसाया जा रहा था उस केस में। हाँ, फंसाया जा रहा था उस केस में। हाँ, पुलिस अब क्या कह रही है? पुलिस अभी रिएक्शन में ना है, ठीक है, हमको फैसला चाहिए और कुछ नहीं। कहाँ से पुलिस आपको, मतलब आपके जो परिजन हैं उनको? घरिया थाना से। हाँ, घरिया। महिला अधिकारी कौन सा? आयो संगीता कुमारी। क्या नाम? मम्मी की स्थिति कैसी है? मम्मी के नाम। क्या कहाँ कहाँ चोट लगी आपको? चोट माथा में है, पूरा घायल, मुंह भी घायल है पूरा, ठीक है, और पैर में है, ठीक है, कमर में है, पूरा शरीर घायल है। घायल होने के बाद कहाँ लेकर गए थे? धोरैया लेकर गए थे, धोरैया में रेफर कर दिया भागलपुर मायागंज। यहाँ स्थिति कैसी है? यहाँ भी अभी उसी हाल में है, ठीक है।